अब आप मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए हर नया हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। हाँ रूही, मैं एक मीटिंग में हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके, मैंने तो सुना था कि औलाद इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है, मगर आप जैसे कारोबारी इंसान के लिए औलाद भी क्या ही चीज होगी। रूही है, आपके मुंह से अपना नाम सुनना कितना अच्छा लगता है। लेकिन तुम्हारा इस तरह मुझे टॉर्चर करना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। इस तरह तो मुझे भी बहुत कुछ अच्छा नहीं लगता। बड़ी फिक्र है अपनी बीवी की। दौड़े चले आते हो दफ्तर से उसके लिए, सामने बिठा के घंटों उसकी पूजा करते रहते। मुझे अच्छा लगता है ये सब, टॉर्चर देने में तो आप भी कमी नहीं रखते। रूही देखो, मैं हम दोनों की इज्जत की वजह से खामोश रहना चाहता हूँ। इज्जत की वजह से नहीं चुप हो, इसीलिए डरते हो कि कहीं आपकी बीवी भाग ना जाए आपको छोड़कर। अगर उसे आपकी बेवफाई का पता चल गया तो क्या करेगी वो? और तुम क्या कर रही हो मेरे साथ? तुम इस बात का फायदा उठा के मुझे अपने हाथों की कठपुतली बनाकर अपने इशारों पर नचाना चाहती हो ना? सब समझते हो, सब समझते हो, बस एक मेरी मोहब्बत नहीं समझते। मोहब्बत? तुम क्या कहना चाहती हो, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? नहीं रूही, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही हो। जानती हो क्यों? क्योंकि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती तो मेरी परेशानी, मेरी मजबूरी देखकर पहले दिन ही मुझे छोड़कर चली जाती। लेकिन तुमने क्या किया, बार बार लौट कर मेरी जिंदगी में आई, मुझे तकलीफ देकर तुम्हें मजा मिला। तुम्हें इस बात का दुख नहीं है कि मेरे हाथों तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई है, तुम्हें इस बात की खुशी है कि तुम्हारी वजह से मैं अनीशा से बेवफा हो रहा हूं। सही है, अगर इसी तरह मेरी मोहब्बत साबित हो सकती है ना तो मैं ये घर छोड़ के चली जाती हूँ, मगर मैं अकेली नहीं जाऊंगी, अपना बच्चा साथ लेकर जाऊंगी। प्लीज ले जाओ, मुझे भी ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए जो मेरे और अनीशा के दरमियान आए, हम दोनों की अलहदगी की वजह बने। वाह, क्या इज्जतदार और जिम्मेदार बाप है आप, अपनी उस एक लड़की की फिक्र के लिए मुझ जैसी बेआसरा को ऐसे ही छोड़ देंगे। और जरा सोचे, मुझ जैसी बेआसरा लड़की आपके बच्चे का क्या हाल करेगी? किसी और को दे देगी, और क्या करेगी? नहीं, उस बच्चे को उठाऊंगी, यहां से ले जाके समंदर में कूद जाऊंगी। अपने साथ साथ ना अपनी बर्बादी की वजह को भी लेके मरूंगी। और मैं सच बता रही हूं, जिंदगी बर्बाद कर दी है मेरी। रूही, रूही मेरी बात सुनो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। हेलो हेलो, रूही पागल है, जिद्दी है, पर अगर अपनी जिद में उसने अपने आप को और इस बच्चे को नुकसान पहुंचा दिया तो नहीं, मैं दो जानों का नुकसान अपने सर पर नहीं ले सकता। ऐसा इंसान नहीं हूं मैं।